ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਾਦਿਕ ਚੌਕ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵੇਖ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦਾਸ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस मौके गलबात करदिया मीत प्रधान यूथ अकाली दल पंजाब रजिंदर दास रिंकू ने दसिया कि कुछ दिन पहला बारिश हुई सी, जिस दे चलदे सड़क दे उपर पानी खड़ा है, क्योंकि यह सड़क सीवरेज दे कारण पुट्टी हुई है अते हुन पानी खड़न दे नाल बुरा हाल होया पिया, जिस कारण आम लोकां नूं लंघन विच काफी परेशानी हो रही है। उन्हां दे वल्लों वार बार प्रशासन दे ध्यान विच लियांदा जा रहा है, पर किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की, जिस दे चलदिया उन्हां दे वल्लों सड़क विचकार झोना लगा के प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि जेकर हाले भी इस मसले का हल नहीं होंदा तां आउण वाले समय दे विच उन्हां दे वल्लों भुख हड़ताल भी की जाएगी। तकरीबन एक हफ्ता हो गया मीह पए नूं, तो देखो तुसी आ जिहड़ी रोड है मेन रोड है फरीदकोट की, जिस दे विच तकरीबन हरेक शहर जिहड़े नगर निवासी है उन्होंने कोई ना कोई जिथे भी काम पैंदा तो इस रोड उपर दी लंघना पैंदा है। अज यह असीं प्रशासन नूं ते सरकार नूं जगाया है भी मतलब यह सड़क है, सड़क वास्ते मतलब इहनूं सड़क तैयार की जाए, ना कि इत्थे पानी इन्ना खड़ा है भी झोने वास्ते कद्दू किया वा भी लोग झोना लाउण ते झोने की फसल होवे। यह सरकार नूं जगाउण दा एक तरीका है। सुत्ती पई सरकार नूं असीं कई बार पहलां भी प्रेस राहीं प्रशासन नूं पूर जोर अपील कर चुके हैं भी मतलब इतने सड़क बनाई जाए बनाई जाए क्योंकि इधर पास मेडिकल है, यूनिवर्सिटी है, हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इधर पास ऑफिसर क्लब है, दाना मंडी है, सब्जी मंडी है, तकरीबन मतलब किन्ने पिंड है तो कई वे शहरों ये रोड जोड़ती है। अज तक जदों का मेरा जन्म होया है मैं इस क्योंकि इस रोड के उपर मेरी रिहायश भी है, अज तक मैं यही नहीं देखा भी इस रोड का इन्ना बुरा हाल होवे। तकरीबन 2-3 साल हो गए सीवरेज पे नूं, फिर भी मतलब वो कहते थे 6 महीने बन जू साल बन जूगी, तो हूँ असं देखते हैं हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई ना कोई चक्कर कोई बेटी डिग पैंदी है, कोई होर बजुर्गों का नुकसान हो जाता है, डेली कोई ना कोई नुकसान हो रहा। अज असी सरकार को जगाने की खातर सड़क से झोना लाया भी इस रोड को जल्दी तो जल्दी बनाया जाए। फरीदकोट के विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों वालों करोड़ों रुपए के विकास के दावे किए जा रहे हैं, फरीदकोट भी यही बड़ा तरह तरह विकास करे जाने पर सब कुछ देखता विकास कितने लगता ही नहीं बिल्कुल। मैं तो आप कहना कल तुम की सारी दुनिया वेख रही है भी आह की विकास है भी जी मेन रोड है शहर की बाबा फरीद की नगरी है, लोग बारह भी इतने मत्था टेकन आते हैं वो की इतने प्रभाव लैके जाएंगे भी यार सड़क का जी मेन रोड है जो उत्थे एंटर करने भी इन्ना बुरा हाल है तो गांह शहर का की विकास होया होना। ये सड़क का टेंडर भी होया पहला बनवाने वास्ते कला कागजा जो टेंडर होया जी पता नहीं किधर गया पैसा कितने नहीं गया, जो टेंडर होया तो सड़क बनी ना होंगी। कई बार असं डी साहब तो भी प्रशासन मांग कर चुके हैं प्रेस राही भी ये मतलब सड़क बनाई जाए पर सुत्ता पिया कम करने की नहीं। आ सामने तो बैक साइड के उपर कमिश्नर साहब की रैश है और मेरे राइट साइड के उपर आई जी साहब की रैश है, इतने मैं डीसी साहब खुद इस रोड तो सामने उतो टर्न करके जाते हैं उतों दिसदी है भी ये रोड का बुरा हाल है भी मैं बनावा पर ना कोई मतलब एक उन्होंने जू नहीं सड़क की भी समझ नहीं आती डी साहब के भी क्यों नहीं ये रोड बना रहे। वो भी बड़ी मुश्किल ना लोगों ने रोला पा पा के बनाया जी, वो भी कई बहुत टाइम लग गया सड़क बनाने के उपर तो हूँ असं मंग करते हैं जेकर हाले भी साड़ी ना सुनवाई हुई तो असी अगला जिहड़ा हैगा स्टैप धरना लावांगे, धरना ला के सरकार नूं जगावांगे, भुख हड़ताल भी रखांगे जे इह रोड जल्दी तो जल्दी ना बनाई गई। ये जी मजबूरन सानू ये कदम उठाना पिया क्योंकि 2-2.5 सालों दे असी प्रॉपर आवाज़ उठा रहे हैं तुहाडे माध्यम राही भी पहला भी असी तुसी इत्थे बाइट करके गए हो साडी असी पहला बहुत बुरा हाल है को फिरोजपुर चौंक तो लैके कोतवाली तक सड़क सारी सीवरेज पाउण दे बहाने नाल पट्टी गई, उस तो बाद ना तो किसी प्रशासन अधिकारी ने आके इत्थे सुला ली है ना किसी MLA ने आके लई है, सरकारी रेस्ट हाउस इत्थे है, सरकारी रेशा अफसर दियां इत्थे है, इत्थे दे जदों व्हीकल टपाउणे है उदों हुण जदों दी बारिश पई है उदों डिग पैंदे आ विच डुब जांदे आ लोक, बहुत बुरा हाल है जी लोकां दा, लोक दुहाई पाउंदे आ पर प्रशासन सुत्ता पिया। करोड़ों रुपये विधायक साहब हर हफ्ते कह देंगे भी मैं शहर के विकास वास्ते लिया पर विधायक साहब न इतों की सड़क का हाल नहीं दिता, जोड़े लोग रो रो पेट पेट दे उन्होंने मूहरे जाके भी असं पिटन की कोशिश करा भी साडा ये सड़क का हल किया जाए। मार्केट का काम जमा ठप्प किया पाया जी, पहला लॉकडाउन ने मारते उस तो बाद जदों की ये सड़क पट्टी भी है ना तो दुकानदारों के कोल गाहक आ रहा ठीक है क्योंकि रोड की बहुत मंदी हाल है, गर्मियों बार बार उड़ती रही है तो बहुत ही माड़ा हशर है जी इस सड़क का। तो असं बेनती करते हैं प्रशासन को भी MLA साहब न भी इस वाली ध्यान दिता जाए तो जल्द तो जल्द इस सड़क को बनाया जाए। सड़क कई पिंड जोड़ती है हाले भी सड़क
फिर भी प्रशासन वालों इग्नोर किया जा रहा है, पता नहीं वो ही जानन भी उन्होंने तो भी पूछा जाना चाहिए भी क्यों नहीं पूरी हो रही। 20-25 सादक तो जो आने वो भी इस सड़क राही जाते गोले वाले साइड फिरोजपुर तो 20-25 पिंड की जी आवाजाही है वो इस सड़क तो बाजार वाल जाती है, पर पता नहीं क्यों सरकार ते प्रशासन अखां बंद करके इस सड़क बनी झाक नहीं रहा। लोग इतों के वसनीक बहुत पिटते हैं पर फिर भी इस पासे किसी की सुनवाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वधेरे खबरां लई तुसीं वेखते रहो अजीत वैब टीवी। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।